नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी मावर। आप देख रहे हैं मृदुभाषी। हम आपको बताने जा रहे हैं इंदौर में बुधवार को हुई एक ऐसी चोरी की वारदात के बारे में जिसमें एक महिला और पुरुष दोनों मिलकर ज्वेलर्स की दुकान से करीब 8 तोला सोना लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। घटना इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र के सिरपुर तालाब के कांकड़ की है, जहां ज्वेलर रविंद्र सोनी की दुकान से एक महिला और पुरुष 8 तोला वजनी सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। दोनों आरोपी बगैर नंबर की बाइक पर दुकान पर आए और कहा उन्हें सोने की कटोरी खरीदनी है। इस दौरान आरोपित महिला दाने देखने लगी। दुकान की मालकिन का ध्यान भटकाने के लिए महिला ने दाने बिखेर दिए। मालकिन जैसे ही दाने समेटने लगी, पुरुष ने सोने की अंगूठी, कान की लटकन, पेंडल, कटोरी, दाने, झुमके, बाली, ओम का पेंडल, हार, चांदी के सिक्के सहित अन्य आभूषणों से भरा बॉक्स चुरा लिया। कुछ देर भाव ताव किए और फरार हो गए। ये एक सरपुर तालाब के पास एक ज्वेलर्स की दुकान है, तो उनका शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक दिन 27 तारीख की बात होगी, वो अपने शॉप पर रूटीन में सबको दिखा रहे थे और काम कर रहे थे। उस दौरान कुछ लोग आए थे और उन्होंने माल वाल देखा था। उस समय उनको पता नहीं चल पाया कि घटना क्या है। बाद में जब मिलान किया तो उनको पता चला कि उसमें से कुछ माल उनका गायब है। तो जो बॉक्स गायब है उसके आधार पर पुलिस ने एक चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है और उसमें हम लोग विवेचना कर रहे हैं। कुछ फुटेज भी हैं, फुटेज में जो ग्राहक उस दिन आए उनमें कुछ संदिग्ध बता रहे हैं वो, क्योंकि एक महिला भी उसमें शामिल है। तो संभावना है कि इन जो फुटेज में जो संभावित लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ही इसमें देखते दाखते हुए उसकी चोरी की गई है। उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसमें जो और साक्ष्य हैं, उनके जो लिंकेज हैं, उसके आधार पर हम लोग डेवलप करके और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आरोपित सोने की कटोरी खरीदने के बहाने आए थे। चंद्रनगर थाना पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।